बुर्का इस्लाम में एक अजमत और वखार वाला लिबास है और बुर्का हयादार लोग पहनते हैं। बेहया लोग बुर्के की ना तहजीब को समझते हैं, ना उसकी शरीयत को समझते हैं, ना उसके वखार को समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया की सबसे बाइज्जत वो खातून होती है जो बुर्का ज़ेब तन करती है, और बुर्का ज़ेब तन करना बाइज्जत होने की निशानी है, और उसके साथ अपने आप को मुसलमान बतलाने की भी निशानी है। अब ये कि हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, जो बुर्का पहनकर गलत काम करते हैं या बुर्का पहनकर कोई शरई उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं या इस्लाम के मिजाज के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो वो उनका इंफरादी अमल होता है, उससे उम्मत के बुर्के का कोई ताल्लुक नहीं होता। और बुर्के को समझिए कि रास्त कुछ कहना, ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। और बहरहाल समझिए कि इस्लामी शार की बड़ी अहमियत है। इस मुल्क में हम इस्लामी शार के तहफ्फुज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें रमक बराबर भी अगर कोई अपने में का कोई बात करेगा तो ये नाकाबिले बर्दाश्त।